The complete book of the Marine Aquarium. The complete book of the Marine Aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book, which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. Namaskar. मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड. आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में. वो फिल्टर पैड क्या करता है, जो भी नाइट्रिनस सब्सटेंस है वो नाइट्रिनस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू, एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू. जो फिल्ट्रेशन है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Hi guys, welcome once again. Welcome to the 7th episode of the complete book of Marine Aquarium. इस 7th episode में आज का हमारा जो topic चल रहा है, जो running topic हम लोग का चल रहा है, the establishment of a marine aquarium, उसका जो पिछले episode में आप filtration part देखे थे तो उसी का continuation है आज. आज का the establishment of the marine aquarium के में जो specified topic हम आज शुरू करने जा रहे हैं that is on protein skimmer. That what is protein skimmer, how it's work and what is the essentiality and efficacy of protein skimmer. Protein skimmer. Protein or organic waste can be removed from an aquarium by using biological filtration. But this has been mentioned before. Cause problem. In simplified terms, the nitrification of protein by bacteria is carried out a great deal quicker than denitrification. So the nitrate level gradually raises. There is another way to remove cellulose and protein waste, however, by using what is known as protein skimmer. Protein skimmer should take place before any form of biological filtration is introduced to the tank. After all, why put stress on biological filter system when there is a mean to remove most of it at source? This device removes organic waste instead of mineralization. It by simplify skimming it off. The advantage of this are obvious, and as a bonus, it does not require days or week of maturation time. It works immediately. So, ये जो protein skimmer है, according to this book, क्या काम करता है और कैसे क्या काम करता है? जैसा कि हमने हमारे पिछले episode में देखा कि जो भी nitrogenous organic waste है, वो nitrogenous compound concentrated form of protein में रहते हैं. वो फर्दर वो प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं थ्रू द बायोलॉजिकल एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन, जिसके लिए काफ़ी सारा समय की जरूरत होता है, कभी मैचुरेशन टाइम की जरूरत होता है, काफ़ी सारा सिस्टम फिल्ट्रेशन की जरूरत होता है. वेयर एज प्रोटीन स्कीमर क्या काम करता है, प्रोटीन स्कीमर बायोलॉजिकल फिल्टर को स्ट्रेस दिए बिना डायरेक्टली थ्रू द एयर फोमिंग बाई स्कीमिंग इट, प्रोटीन को पानी में मिला हुआ घुला हुआ जो भी प्रोटीन सब्सटेंस है, प्रोटीन एल्बुमिन थायमिन, ये सारे चीज़ को प्रोटीन स्कीमर डायरेक्टली रिमूव कर देता है. एज अ रिजल्ट, एज अ होल, प्रोटीन स्कीमर अगर अच्छा क्वालिटी का, अच्छा फंक्शन का हो, तो प्रोटीन स्कीमर पानी में अनईटन फूड, अनवांटेड जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हार्मफुल टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्हें स्कीम करते हुए पानी से निकाल देते हैं. एज अ होल, एज अ रिजल्ट, बायोलॉजिकल फिल्टर में स्ट्रेस कम होता है, और प्रोटीन स्कीमर और बायोलॉजिकल फिल्टर के प्रॉपर अरेंजमेंट से मरीन एक्वेरियम, मरीन रीफ टैंक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसलिए प्रोटीन स्कीमर बहुत 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 एसेंशियल पार्ट है कोई भी मरीन सेटअप और मरीन सेटअप के कोई भी रीफ टैंक के लिए. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटीन स्कीमर लगा लेने से ही काम नहीं बनता है, प्रोटीन स्कीमर का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
कि सही प्रोटीन स्कीमर कौन सा हो, कौन सा प्रोटीन स्कीमर सही से काम करता है, कौन सा प्रोटीन स्कीमर का एफिकेसी अच्छा हो, या किस लेवल का प्रोटीन स्कीमर होना चाहिए। जो कोई भी प्रोटीन स्कीमर काम सही से नहीं करता है, आपको प्रोटीन स्कीमर का चुनाव भी बहुत सही ढंग से करना है जो आपका सही काम करे। द स्कीमर शुड बी लार्ज एनफ एंड हैव सफिशियंट कैपेसिटी टू टर्न ओवर द कंप्लीट एक्वेरियम वाटर वॉल्यूम इन 1 आवर इन ऑर्डर टू मेंटेन एज एफिशिएंसी। द स्कीमर कप शुड बी एम्प्टीड एंड क्लीन ट्वाइस वीकली। इट मीन्स आपका जो स्कीमर होना है, प्रोटीन स्कीमर, वो स्कीमर इतने सफिशियंट पावर का होना है कि आपका जो वाटर वॉल्यूम है वो कंप्लीट वाटर वॉल्यूम 1 घंटे में रोटेट हो सके। प्रोटीन स्कीमर का जो भी वाटर वॉल्यूम है वो 1 घंटे में रोटेट होने के लिए सफिशियंट होना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टैंक का वाटर वॉल्यूम हो 500 लीटर, तो प्रोटीन स्कीमर के पंप का जो पावर होना है वो 500 लीटर पर आवर होना है। ये मिनिमम कैपेसिटी होना है ताकि 1 घंटे में आपके टैंक का कंप्लीट पानी थ्रू प्रोटीन स्कीमर पास हो सके। यू कैन से कि 24 घंटे में 24 बार आपका पूरा पानी प्रोटीन स्कीमर के थ्रू पास होना चाहिए। दैट इज द एसेंशियल डिग्री ऑफ द प्रोटीन स्कीमर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन। और दूसरा, प्रोटीन स्कीमर का जो भी कप है उसे वीकली ट्वाइस साफ करना जरूरी है। अगर आप वीकली ट्वाइस नहीं भी कर सके तो वीकली वंस तो मैंडेटरी है, सो दैट वहां पर ही वो जो अमोनियम नाइट्रेट फॉस्फेट जो भी प्रोटीन डायरेक्टली जो प्रोटीन फैट है वो डिकम्पोज हो रहा है, ताकि वो आप निकाल सके, निकालकर बाहर फेंक सके। दैट इज द मेन एंड क्रूशियल पॉइंट। और प्रोटीन स्कीमर का और एक चीज है, अगर आप खाना दे रहे हो, अगर आप खाने में कोई भी फैट ओरिएंटेड फ्रोजन फूड दे रहे हो या फिश फूड दे रहे हो या प्रॉन दे रहे हो, तो प्रोटीन स्कीमर को कुछ घंटे के लिए बंद कर देना चाहिए, सो दैट जब आप खाना दे रहे हो वो खाना प्रोटीन स्कीमर के थ्रू पानी में बहुत ज्यादा फैट डिजॉल्व होने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन स्कीमर बहुत जल्दी जल्दी स्कीम कर देगा और वो खाने को निकाल सकता है पानी से। जो भी लिक्विड फूड या फ्रोजन फूड आप दे रहे हो, देने के समय प्रोटीन स्कीमर कुछ देर के लिए बंद कर देना चाहिए, लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद आप रिज्यूम कर सकते हैं। दैट्स इट। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ओजोन रिएक्टर। व्हाट इज ओजोन रिएक्टर एंड व्हाई इट इज यूज इन एक्वेरियम। व्हेन ऑक्सीजन इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज एटॉमिक स्ट्रक्चर is altered so that it become trivalent, which means that each oxygen molecule take on an extra atom to form the unstable gas ozone. Generally, जो oxygen हम inhale करते हैं वो O2 form में रहता है। O2 form एक stable oxygen gaseous atom है। जब high electric discharge होता है, ये O2 split up हो जाता है single O में, और जब दो O2 के साथ एक सिंगल O अटैच होता है, तब O3 एक अनस्टेबल गैस फॉर्म होता है, ऑक्सीजन का एक एटम फॉर्म होता है, दैट इज ओजोन, डिनोटेड एज O3। ये काफी अनस्टेबल है और बहुत पॉइजनस भी, लेकिन ये अनस्टेबल और पॉइजनस होने के बावजूद भी ये इनर्ट गैस है, ये अनस्टेबल है तो जल्दी ब्रेक डाउन भी हो जाता है। फॉर सम कंसिडरेबल टाइम ओजोन हैज बीन यूज्ड बाय एक्वारिस्ट बिकॉज ऑफ इस एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजेशन कैपेबिलिटी विथ रिगर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ओजोन एक्वेरियम में या मरीन एक्वेरियम में यूज़ करने से, ये हालांकि हमने पहले ही बोला है कि O3 ओजोन गैस बहुत अनस्टेबल इनर्ट गैस है, ये एक्वेरिस्ट अपने एक्वेरियम में यूज़ करते हैं फॉर द सर्टेन टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, फॉर सर्टेन टाइम के लिए यूज़ करने से क्या करता है, ये ट्रिमेंडस इनका ऑक्सीडाइजेशन कैपेबिलिटी होता है। जो अनस्टेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अनस्टेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को तुरंत तोड़ के ऑक्सीडाइज कर देते हैं और पानी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि हमने पहले पिछले एपिसोड में देखा कि ऑर्गेनिक वेस्ट टूटते हुए अमोनियम ऑर्गेनिक एसिड फिर फिनॉल में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। फर्दर फिनॉल जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस से ब्रेक डाउन होता है, ये ब्रेक डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, ओजोन रिएक्टर क्या करता है, डायरेक्ट फिनॉल को ऑक्सीडाइज करके पानी से बाहर निकाल देता है, ये फिनॉल को तोड़ देता है, ये O3 गैस इटसेल्फ ब्रेक कर देता है फिनॉल को। हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ओजोन लेयर है, और वो ओजोन लेयर जो भी हार्मफुल रेडिएशन, जो भी यूवी रेडिएशन सूरज से आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, हार्मफुल जो भी रेडिएशन है, वो हार्मफुल रेडिएशन को भी फिल्टर कर देता है, वो हार्मफुल रेडिएशन को पेनिट्रेट नहीं करने देता है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो ओजोन इज सच अ पावरफुल फिल्टर मीडिया, यू कैन से थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। अगर ओजोन इतना पावरफुल है कि वो हार्मफुल रेडिएशन को रोक सकता है, तो यू कैन इमेजिन कि वो इतना पावरफुल है कि पानी के जो भी टॉक्सिसिटी है उस टॉक्सिसिटी को भी रिमूव कर सकता है, रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। इस प्रोसेस को ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही वाइटल टॉपिक है, दैट इज अल्ट्रावायलेट और यूवी स्टेलाइजिंग यूनिट। यूवी स्टेलाइजिंग यूनिट क्या है और क्यों जरूरी है और किस लेवल पे काम करता है, कैसे काम करता है। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए के बारे में हम बहुत जानते हैं, बहुत सुने हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोजोम इन ऑल हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द क्रोमोजोम देमसेल्व्स आर माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच ऑकर इन पेयर विद इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल।
This structure are gene carrying bodies, and it is the gene that are biologically factor or unit determining the inherited characteristics of the cell itself. ये DNA thread like structure होता है या rod like structure होता है जो क्रिस क्रॉस शेप में रहता है. आप पिक्चर में देख सकते हो कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है. ये डीएनए जीन कैरी इन्फॉर्मेशन होता है, वो जीन को कैरी करता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लिविंग सेल की तरफ, हमारे क्रोमोसोम में पाए जाते हैं. अब आप सोच रहे हैं, मैं यूवी के बारे में बोलते हुए डीएनए और जीन में कहां से चला गया. यस, यू आर राइट. यूवी कहां काम करता है और किस लेवल पे काम करता है, ये जानने के लिए आपको डीएनए और जीन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी होता है. यूवी कैसे काम करता है? यूवी डायरेक्टली सेलुलर लेवल पे काम करता है. यूवी क्या करता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होता है, सेल में जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, उस डीएनए को जाकर ब्रेकडाउन कर देता है. यूवी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेरिलाइजर इन द वर्ल्ड. यूवी इतना पावरफुल स्टेरिलाइजर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कोई भी लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू के लिए, एक टिश्यू के अंदर जो सेल रहता है, उस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम में जो डीएनए रहता है, उस डीएनए को भी ब्रेकडाउन कर देता है एक यूवी स्टेरिलाइजर, यूवी लाइट. उसका वेवलेंथ होना चाहिए 100 nm से लेकर 280 nm तक, सो दैट वो डीएनए के स्ट्रक्चर को ब्रेकडाउन कर देता है, स्प्लिट अप कर देता है. उसका जो भी जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी उसका फंडामेंटल कैरेक्टर है, उसे तोड़ देता है, उसे मार डालता है. अब इसके साथ एक्वेरियम या मैरीन एक्वेरियम का क्या संबंध है? द अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन यूनिट मेड फॉर एक्वेरियम आर डिजाइंड टू कॉम्बैट फिश पैरासाइट, प्लैंकटन, बैक्टीरिया एंड माइक्रोएल्गी बाय डिस्ट्रॉइंग देयर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी. एक्वेरियम में जो भी फिश पैरासाइट होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है या अनवांटेड एल्गी ग्रोथ होता है, जब पानी यूवी के थ्रू पास आउट होता है, ये यूवी पानी में जो भी पैरासाइट, हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल हो या यूजफुल हो, बोथ बैक्टीरिया जो भी पानी के साथ मिला हुआ है, वो बैक्टीरिया पास आउट होता है, फंगल पास आउट होता है, अनवांटेड एल्गी जो पास आउट होता है, ये सारी चीज़ें, या फिशेस के जो भी पैरासाइट है, वैरायटी ऑफ पैरासाइट जो भी पानी के थ्रू यूवी के साथ कांटेक्ट में आता है, यूवी से पास आउट होता है, यूवी लाइट क्या करता है, उनके जेनेटिक, उनके जीन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, सो दैट उनका रिप्रोडक्टिव सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है. रिप्रोडक्टिव सेल डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से क्या है, वो पैरासाइट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, वो एल्गी ग्रोथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, और वो मर जाते हैं. फ्री फ्लोटिंग पैरासाइट, फ्री फ्लोटिंग एल्गी है जो यूवी से पास करे, यूवी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे उनका जीन को ब्रेकडाउन कर देता है, जेनेटिक लेवल पे उन्हें मार डालता है, सो दैट वो फर्दर रीजेनरेट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं देते हैं उसे. यूवी स्टेरिलाइजिंग यूनिट तभी काम करता है, एक्चुअली ये सिम्टम पर काम करता है, क्योर पर नहीं. आप पहले से यूवी स्टेरिलाइजिंग लगाएंगे तो ये प्रिवेंशन के तौर पर काम करेगा, एल्गी होने नहीं देगा ज्यादा, पैरासाइट होने नहीं देगा, फंगस होने नहीं देगा, बैक्टीरिया होने नहीं देगा. लेकिन अगर आपके टैंक में पहले से पैरासाइट हो चुका है, मछली को बैक्टीरिया हो चुका है, हार्मफुल एल्गी हो चुका है, आ चुका है, उसके बाद अगर आप यूवी लगा रहे हो तो वो कोई काम नहीं करेगा. इट मींस उस समय यूवी लगाने से फिशेस रिकवर नहीं होंगे. बहुत लोग कहते हैं कि मेरा फिशेस को इन्फेक्शन आ गया, अभी यूवी लगा दे, या बहुत सेलर भी कहते हैं आपके फिशेस को इन्फेक्शन हो गया, अभी यूवी लगा दीजिए ठीक हो जाएगा. नहीं, इस सेशन में तो ठीक नहीं होगा. ये सेशन होने के बाद धीरे 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 जीन जेनेटिक लेवल पे यूवी उसे क्योर करेगा, अगली बार होने नहीं देगा, लेकिन इस बार बचा नहीं सकता अगर हो चुका है तो. यूवी इज प्रिवेंशन, नॉट द क्योर. आप पहले से यूवी लगाए तो प्रिवेंटिव रहोगे, यूवी लगाए ओजोन दे तो प्रिवेंटिव रहोगे, लेकिन हो जाने के बाद ना ही ओजोन इसे रिमूव कर पाएगा, ना ही यूवी इसे रिमूव कर पाएगा. मेक इट क्लियर वेरी मच. नेक्स्ट पार्ट इज करंट फ्लो. व्हाट डू यू मीन बाय करंट फ्लो एंड व्हाई इट इज एसेंशियल? वाटर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर बोथ मरीन एंड रीफ एक्वेरियम, एंड एज अ जनरल रूल यू कैन नेवर हैव इनफ ऑफ इट. ऑन द नेचुरल रीफ वाटर फ्लो एंड मूवमेंट इज समटाइम ऑसम एंड द रिलेटिव स्टिलनेस of an average reef aquarium is in stark contrast to the natural environment. However, possible turbopump, surge and wave maker should be used to rectify this situation. Marine aquarium या reef aquarium में, कोई भी marine aquarium, reef aquarium में water flow, water current बहुत essential है, बहुत बहुत ही essential है. क्यों? वाटर फ्लो, पहले हम प्रकृति में जाते हैं. प्रकृति में हाई टाइड लो टाइड होता है. हाई टाइड के समय पानी अंदर आता है, लो टाइड के समय पानी बाहर जाता है. हाई टाइड और लो टाइड में बहुत तेज़ी से पानी बढ़ता है और घटता है. तो ये जो क्रॉस फ्लो है, हमेशा समुद्र में जो क्रॉस फ्लो करंट है, इससे क्या होता है, कोई भी एनिमोन हो, कोई भी कोरल्स हो, इनका आप फ्लो देख सकते हैं. आप वीडियो में देखिए, जैसा आपको फ्लो दिखाई दे रहा है, ये जो हाई फ्लो है, हाई टाइड और लो टाइड का जो भी हाई फ्लो है, आप देखिए एनिमोन में जो फ्लो आ रहा है या कोरल में जो फ्लो आ रहा है, ये इनके सॉफ्ट टिश्यूज में जो भी एक्सरसाइज या जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, ये मेटाबॉलिज्म इस वाटर फ्लो और वाटर करंट के ऊपर डिपेंड करता है.
मेरिन के सारे फिशेस उनका बॉडी ही उसी तरह से डिजाइन है, उनका बॉडी का स्ट्रीमलाइन उसी तरह से डिजाइन है वाटर फ्लो के अगेंस्ट चलने और वाटर फ्लो के साथ चलने के लिए। मीन्स मरीन फिशेस मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर फ्लो बहुत एसेंशियल है। हर ऑर्गेनिज्म के लिए वैरायटी वाटर फ्लो चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को गहरा वाटर फ्लो चाहिए, किसी को लो वाटर फ्लो चाहिए, तो वो वाटर फ्लो के हिसाब से अपने आप को डिजाइन करता है। ये वाटर फ्लो देने के लिए हम मरीन एक्वेरियम में कुछ पंप लगा सकते हैं, वेबमेकर लगा सकते हैं, प्रॉपुलर वेबमेकर प्रॉपुलर पंप लगा सकते हैं जो हाई टाइड लो टाइड कभी ज़्यादा कभी सॉफ्ट इस तरह का वाटर फ्लो ऑल्टरनेटिव करंट फ्लो कर सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, आप सोचते हैं कि पानी में ऑक्सीजन कैसे डिसॉल्व होता है। पानी में ऑक्सीजन तभी डिसॉल्व होता है जब पानी में वेव क्रिएट होता है। ये जो सतह पे समुद्र के सतह पे जो भी वेव क्रिएट होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जब पानी के सतह को हीट करता है, पानी के सतह के साथ हीट करता है, तभी एटमॉस्फेरिक एयर डिसॉल्व होता है उस वेव के थ्रू। एकमात्र वेव ही है जो एटमॉस्फेरिक एयर को वाटर में डिसॉल्व कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे जो भी सॉल्ट वाटर है मरीन एक्वेरियम में, मरीन एक्वेरियम में ऑक्सीजन डिसॉल्व रेट बहुत ही कम है। फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व रेट बहुत ज़्यादा है और फ्रेश वाटर के रेस्पेक्ट में 250 टाइम्स कम है, 250 गुना कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है समुद्र के पानी में या सॉल्ट वाटर में। एज अ रिजल्ट इन्हें 250 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए शॉर्ट पीरियड में अगर वेव मेकर बंद हो जाए या रिटर्न पंप बंद हो जाए, बहुत जल्दी मरीन के मछली मर जाते हैं, मरीन के फिशेज बहुत जल्दी मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि फ्रेश वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, और सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ बहुत कम पाया जाता है। और इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को पानी में बढ़ाने के लिए पानी में करंट फ्लो वेव मेकर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लहर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन टू द अपर सर्फेस टू द बॉटम सर्फेस फ्रॉम द बॉटम सर्फेस, ये ऑक्सीजन अपर सर्फेस बॉटम सर्फेस को जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है इसके लिए भी वेव मेकर की बहुत एसेंशियल पार्ट है। ऑक्सीजनेटेड वाटर को एक्वेरियम के हर एक कोने में पहुंचाने के लिए इस करंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। समुद्र के ऊपरी सतह में एटमॉस्फेरिक एयर जब हीट करता है तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। पानी का करंट क्या करता है, ऊपर का ऑक्सीजन को नीचे तक लेके आता है थ्रू दिस करंट, थ्रू एक्सचेंजिंग द वाटर थ्रू आउट द लाइफ थ्रू आउट द ओशन। हमारे एक्वेरियम में भी इस चीज़ को मिमिकिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है, पानी में लहर क्रिएट करना और ऊपर की सतह के पानी को नीचे के सतह के पानी के साथ एक्सचेंज करना थ्रू दैट वेव मेकर एंड द पंप। दिस इज द वेरी एसेंशियल पार्ट इनके एक्सरसाइज के लिए, इनके बॉडी मूवमेंट के लिए और ऑक्सीजन डिसॉल्व के लिए। That is why current flow and the water flow is very, very essential, very, very crucial point and crucial part for an marine aquarium. That's it for today's session. आज के session में हम बहुत important part जाने, protein skimmer क्या है, ओजोन रिएक्टर क्या है, UV sterilizer क्या है, current flow क्या है, वेव मेकर के लिए current flow क्या क्या ज़रूरत है, क्या इसकी efficacy है, ये सारा कुछ जाने। और इसी तरह हमारे वीडियो में आगे और भी जानकारी आने वाले हैं। हमारा जो next episode, next session होने वाला है, that is maturation time and its process. ये हम आगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और इसी तरह हमारे सारे एपिसोड को जानने के लिए, जल्द से जल्द आप तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, हमारे कमेंट में आप हमें उत्साह दीजिए कि कैसा हमारा वीडियो लग रहा है। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे रेक्टिफाई कीजिए कि हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पहुँचे। और आपके जानकारी के लिए बता दूँ, हम जो ये सेशन स्टार्ट किए हैं, दिस इज़ द ओनली सेशन अराउंड द वर्ल्ड रिगार्डिंग मरीन एक्वेरियम। आज तक यूट्यूब में वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो इस तरह मरीन एक्वेरियम के बारे में एक एक बारीकी के बारे में जानकारी देती हो या जानकारी दे रही हो। मैं हमारे हिंदी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए, हमारे भारतवासी के लिए, ऑल अराउंड द वर्ल्ड में जो भारतवासी रहते हैं और भारत में जो भारतवासी रहते हैं, हर इंडियन के लिए मैं हिंदी में ये स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप मरीन एक्वेरियम के बारे में अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सको, जान सको, समझ सको और ये जानकारी ले सको। अगर आपको अच्छा लगे हमारा ये प्रोग्राम तो ज़रूर 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हर हर महादेव।